तो दोस्तों रक्षाबंधन में इंस्टेंटली अगर कुछ ना मिले तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी इंस्टेंटली रेसिपी शेयर कर सकूँ। और इस रेसिपी को बनाने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं और खर्चा भी बहुत कम है दोस्तों। जिनके पास मिठाई बनाने तक कभी समय नहीं है, लेट हो गया है काफ़ी, तो ये चुटकियों में बन जाएगा और बहुत ही डिलीशियस लगेगा भाई, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने 3 ऑलरेडी ही कॉटन कैंडी डाल दिया है पहले ही निकाल निकाल के, और ये फूला फूला लास्ट बच गया है, तो मैं 4 कॉटन कैंडी से ये रेसिपी बना रही हूँ। आपको जितना चाहिए होगा उतना आप बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरा ये फेवरेट है, इंस्टेंटली भी बन जाता है, मेरे घर में सबको पसंद है और मेरी नानी दादी को भी पसंद है, उनके मुंह में दांत नहीं है और वो मिठास की बड़ी प्रेमी है, और ये कभी भी कहीं भी मिल जाए तो वो लेना नहीं छोड़ती है। तो आज मुझे ये मंदिर के पास मिल गया था और बहुत ही चीप है, 10 रुपये में मिल जाता है, तो और अच्छा भी लगता है और बढ़िया भी लगता है, तो मेरे ट्रिक से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी कॉटन कैंडी से मिलता जुलता ये देखिए आइसक्रीम है, फंडू करली, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है और कलर भी सेम कॉटन कैंडी जैसा है। आप चाहो तो इसके एवेज में वेनिला आइसक्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी फूल गया है ऊपर तक, तो मैं इसमें पहले ही दूध डाल दे रही हूँ, और दूध मैं फुल फैट क्रीम वाला मलाई के साथ ही डाल रही हूँ, टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा इससे। अब हम दूध देने के बाद आइसक्रीम डालेंगे दोस्तों, तो आइसक्रीम मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए दोस्तों है ना एकदम उसी की तरह मिलता जुलता आइसक्रीम दोस्तों, तो टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है। दोस्तों एक आइसक्रीम मैंने डाल दिया है, ये दूसरा डाल रही हूँ, जितना आप इसमें आइसक्रीम डालोगे उतना टेस्ट फ्लेवर बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों डेयरी मिल्क भी डाल रही हूँ, डेयरी मिल्क से भी इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है दोस्तों। तो अब हम इसमें चॉकलेट जो है तोड़ तोड़ के डाल देंगे दोस्तों। तो ये इंस्टेंटली है रक्षाबंधन पे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा आप लोग। दोस्तों आप इसमें टेस्ट फ्लेवर और इनहेल्स कर देगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, तो ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे दे भी सकते हो या फिर स्केप कर सकते हो, लेकिन इसे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों। आप जो भी सामग्री इसमें जैसा आपको पसंद है वैसा आप ऐड कर लीजिएगा, या जो नहीं पसंद है उसको आप स्केप कर सकते हो। और आइसक्रीम चॉकलेट कॉटन कैंडी इतना मीठा होता है कि इसमें शुगर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो जिनको ज़्यादा मिठास चाहिए, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच डाल दे रही हूँ दोस्तों। अब हम इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों मिनटों में हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है। वैसे तो कॉटन कैंडी की जो मिल्क शेक होती है सब अपने तरीके से ट्राई किए हैं, लेकिन एक बार जो चीज़ मैंने इंग्रेडिएंट इसमें मिला के मिल्क शेक बनाया है दोस्तों, एक बार आप बनाइएगा, पूरा टेस्ट जो है एकदम इनहेल्स हो जाता है और ये पीने में इतना लाजवाब लगता है दोस्तों कि इसी ट्रिक से आप बार बार इसको बनाओगे, ये बहुत ही प्यारा लगता है इन सारी चीज़ों से, और इंस्टेंटली है, सबको बच्चे से बड़े इसके फ़ैन बन जाएंगे इस ट्रिक से अगर आप मिल्क शेक बनाओगे, बहुत ही प्यारा मिल्क शेक है। तो ऊपर तक मैंने भर लिया है, अब हम ऊपर से आइसक्रीम है इसको भी डालेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा ऊपर से आइसक्रीम देने में, तो आइसक्रीम हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों। अब ऊपर से हम दोस्तों आइसक्रीम के बाद ये चॉकलेट भी देंगे, जिससे आपके मुँह में चॉकलेट का फ्लेवर अच्छे से जाए, जो चॉकलेट लवर है और मिठास लवर है तो ये बेस्ट रेसिपी है, इंस्टेंटली बन जाती है। अब यहाँ पे हम चॉकलेट सेट कर दे रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों चॉकलेट मैंने ऊपर से दे दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा और डिलीशियस लगेगा, तो यहाँ पे हम स्प्रिंकल है वो डाल दे रही हूँ दोस्तों, तो है ना एकदम यम्मी सुपर टेस्टी इंस्टेंटली रेसिपी रक्षाबंधन के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने बर्फ ऐड नहीं किया है, आइस क्यूब ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश है, यहाँ पे मौसम थोड़ा ये है, अगर आपको चाहिए होगा ठंडा ठंडा एकदम तो आप आइस क्यूब ऐड कर लीजिएगा, और गर्मी में आप इस ट्रिक से इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हो तो आप आइस क्यूब ज़रूर डाल लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो एक बार ट्राई कीजिएगा और पीजिएगा, अच्छा लग जाए वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जब तक ऐसी ही प्यारी और अच्छी मिल्क शेक रेसिपी से मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये प्यारी सी मिल्क शेक पी के अपनी इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।